चीनी सामान का विरोध करते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। जी हाँ, हिंदू जागरण सभा के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हिंदू हॉस्टल चौराहे पर प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष एवं छात्र नेता केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद हिमांशु मिश्रा के अगुवाई में चीन का विरोध करते हुए चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया तथा चीनी उपकरणों को भी जलाया गया। सरकार से मांग की गई कि जिस प्रकार चीन के 59 ऐप्स को बंद किया गया, उसी प्रकार चीन के अन्य सामान के आयात पर भी रोक लगाई जाए। साथ ही आम जनता से भी अपील की गई कि स्वदेशी अपनाकर भारत को सुदृढ़ बनाया जाए और चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री धीरज द्विवेदी, जिला प्रभारी प्रयागराज धीरेन्द्र मिश्रा, गिरिधर कांत पांडे, कुलदीप त्रिपाठी, संदीप पांडे, विनय दुबे, डॉक्टर एएस निगम, मोनू तिवारी, शाश्वत चतुर्वेदी, गोलू चोपड़ा, रोहित मिश्रा, अभिषेक पटेल, सत्यम गौड़, सौरभ गुप्ता, करण कुमार, नीरज मिश्रा, रजनीश, अजय राजभर, आदर्श सिंह, अंश सिंह, जितेंद्र शुक्ला आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से शिवम नंदन त्रिपाठी की खास रिपोर्ट।